हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलेश मेवड़ा। आप देख रहे हैं नीलेश संगीता गुलक्स चैनल। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाडली बहना योजना में कौन महिला अपात्र है, कौन पात्र है, ये शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं क्राइटेरिया बताया है। आप लोग वीडियो देखें। बताओ, अरे जोर से बताओ, कोई को बताओ तो। 10 जून को बहनों के खाते में पहले महीने का पैसा डाल दिया जाएगा। 1,25,00,000 बहनों ने फार्म भरे और मैंने कहा सब बहनों के फार्म पास। 11 बहनों की एक टीम बनेगी गांव में, 11 बहनों की तैयार होगी। नहीं बता, अतः सिर पे कलश रख के अपने भाई का यहाँ के लोक गीत मंगल गान गा के स्वागत किया है। मुझे भी वो गीत जो बचपन में मैं बहन के लिए गाता था एक बार फिर याद आ गया। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है, मेरे पास आ कह जो कहना है, 10,000,000 ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग। तुम्हें प्रणाम। आज मैं आपके बीच मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, आपके भाई के रूप में आया हूँ। बताओ हूँ कि नहीं आपका भाई, वो तो जोर से बोल के बताओ हूँ। तो एक पर की मैंने और निकाली, जमीन जायदाद अगर खरीदना है तो कौन के नाम खरीदते, घर के पुरुष के नाम, राम सिंह, श्याम सिंह, देवी लाल। कोई बहन के नाम जमीन खरीदता था, अपनी पत्नी के औरत के नाम जमीन खरीदता था, कभी नहीं खरीदता। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि शिवराज कुछ ऐसा कर रहे कि बहनों के नाम भी मकान दुकान खेत होने लगे। तो तरकीब क्या निकाली बताऊं, हमने तय किया कि भाई के नाम जमीन खरीदेगी, पति के नाम जमीन खरीदेंगे तो हम रजिस्ट्री के शुल्क ज्यादा लेंगे, पैसा ज्यादा लेंगे, रजिस्ट्री होती ना। और अगर अपनी पत्नी के नाम या अपनी करवाओगे, मकान करवाओगे, दुकान करवाओगे तो केवल 1% रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा, ज्यादा पैसा लेंगे ही नहीं। अरे इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना मेरे भाइयों। तरकीब काम कर गई, पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे नाम जमीन कर रहा हूं, पैसा बच जाएंगे, मेरे नाम पे पैसा ज्यादा लगते रजिस्ट्री के। तो आजकल 45% जमीने बहनों के नाम हो रही है और मैं इसी में खुश हो रहा हूं कि चलो शिवराज मजा आ गया, अब बहनों के नाम भी तो कुछ हो रहा है। बहनों जिंदगी बदलना है, जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बदलना है, इसलिए मैं हूं मुख्यमंत्री। और एक बात मुझे पीड़ा देती थी, देखो जरा जरा से पैसा की गरीब बहन है अपनी, या छोटे किसान परिवार से आती है, 5 एकड़ तक के किसान परिवार से 1,500 रुपया की भी जरूरत पड़ गई तो परेशान हो जाती थी। अगर मायके जाना है, आप दिला दूं, कुल्फी खिला दूं, और कोई चीज मांग ली तो इच्छा होती दिलाऊं, लेकिन पैसा नहीं है, मजबूर हो जाती थी, मन महसूस कर रह जाती थी और तब मैं परेशान होता था। मुझे लगता था कुछ ना कुछ और कर शिवराज, अभी मजा नहीं आ रहा, और कोई ना कोई योजना बना। तो एक दिन मैं सोच रहा क्या करूं, एक विचार आया मेरे मन में, विचार आया कि शिवराज अपना सगा भाई राखी के दिन बहन के घर जाता है, जाता कि नहीं जाता, जाता है, या बहन को ले आता है मायके और बहन से राखी बंधवाता है, राखी बंधवाने के बदले बहन को या तो पैसा देता है या कपड़े देता है, कोई ना कोई चीज देता है। तो दिल में आवाज आई कि तू भी तो है भाई, और भाई है और मुख्यमंत्री हो गया है, तू क्या देता है अपनी बहनों को, अरे बाकी योजना तो बनाई, तू भी तो दे राखी में कुछ। तो मैं सोचता रहा, फिर मन में एक बात और आई मेरे कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा, साल में एक बार देने से काम चलता है क्या, अरे जोर से बताओ, नहीं चलता। तो मन में लगा कि हर महीना दे, हर महीना, और उसी में से ये योजना निकली मुख्यमंत्री लाडली बहना। मैंने उसी रात 28 फरवरी को तय कर लिया कि 1,000 रुपया महीना अपनी हर बहना के खाते में डालूंगा। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मेरी प्रिय बहनों इस योजना में सबका रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म कौन कौन ने भरे जरा हाथ उठाओ, जिनके फॉर्म भरा गया हालत बताओ। अरे सब बहनों ने भर दिए, 1,25,00,000 बहनों ने फार्म भरे और मैंने कहा सब बहनों के फार्म पास, कोई का फेल नहीं। 5 एकड़ तक की जमीन या गरीब परिवार से आने वाली मेरी बहन, तो सुनो मेरी बहन को या तो पैसा देता है। आज है 11 मई,
आज से 29 दिन बाद मैं पहले महीने का पैसा डाल दिया जाएगा और 10 जून हिंदुस्तान नहीं दुनिया के इतिहास में लिखी जाएगी बहनों के सशक्तिकरण के लिए। और ये 1000 रुपया केवल 1000 रुपया नहीं है मेरी बहनों, अगर घर में 3 बहुएं हैं तो मैं बहनों से बेईमानी थोड़ी करूंगा, अरे बड़ी को भी दूंगा, मंझली को भी दूंगा, छोटी को भी दूंगा, संजली को भी दूंगा। तो एक घर में 2-3 बहुएं हैं तो 2-3 हजार रुपया हर महीना साल में कितने हो जाएंगे देखो। और सुनो, अगर सासू जी बूढ़ी है और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही है तो वो भी बढ़ा के 1000 कर दूंगा, तो सास को भी मिलेंगे और बहू को भी मिलेंगे। और एक बात और सुनना, पैसा आता है तो इज्जत बढ़ती है, बताओ बढ़ती कि नहीं? अरे सब ने बताओ, पैसे से इज्जत बढ़ती है कि नहीं? पैसा इज्जत भी बढ़ाता है, पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। अब जब ये पैसा आएंगे तो पतिदेव का भी स्वर थोड़ा बदल जाएगा और सास भी कहेगी कि बहू के 1000 रुपया महीना तो आ रहे, रोटी में खींच पड़ दो रे, बहू को भी खींच पड़ के रोटी खिला। बोलो सही बात है कि नहीं? और जब सास को 1000 मिलेंगे तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माताजी के पांव तो दबा दूं, तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। अरे सही बात है कि नहीं? और एक बात और, अभी तक पतिदेव से मांगती थी लाओ मैं दादी दे तो दो, अब पत्नी इतनी दयालु होती है, बहने इतनी दयालु होती है कि पति को उदास नहीं देख सकती, परेशान नहीं देख सकती, उनका दिल ही ऐसा होता है। बेटा बेटी के लिए तो खर्चा करेंगी लेकिन थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रखेंगी। और किसी दिन अगर पतिदेव उदास होकर घर आए और मुंह लटका के बैठ गए तो सहन नहीं होगा और फिर कहोगी क्या बात है गुड्डू के पापा, आज कैसे उदास बैठे हो, अरे मुझे तो बताओ। और वो अगर कहेंगे क्या करूं, पैसा की बहुत जरूरत थी लेकिन पैसा मिल नहीं रहे, तो खट कहेगी चिंता काहे को कर रहे, मेरे पास धरे चले जाओ मैं तो हूं अभी। तो पतियों का काम भी चलाएगी मेरी बहनों, जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मैंने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, बताओ अच्छी है कि नहीं योजना? अरे सब बहने जोर से बताओ, अच्छा मेरे भैया तुम भी बताओ अच्छी है कि नहीं? अच्छी योजना है। अब अच्छी योजना से परेशान होके कुछ लोग न, मामा भी तो तुम्हारा है, भैया भी तुम्हारा है, आओ हम सब मिलके एक नया जमाना लाए, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, गरीबों को भी राहत मिलेगी, किसान आगे बढ़ेंगे, नौजवानों को 1 लाख नौकरियों पे भर्ती जारी है रे बेटा बेटियों, 1 लाख नौकरियों में भर्ती जारी है, 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता का लालीपाप कांग्रेस देती है, बेरोजगारी भत्ता नहीं, मैं काम सिखाऊंगा अलग अलग जगह, जून में वो अभियान शुरू हो जाएगा, कोई कंपनी में कोई सर्विस सेक्टर में जो बच्चे काम सीखने जाएंगे उनको काम सीखने के बदले 8000 रुपया महीना दिए जाएंगे, 8000 रुपया महीना, ताकि 1 साल में काम सीख के उनको भाई काम मिल जाए या अपना काम शुरू करें। तो नया जमाना लाना है बहनों और भाइयों, नया जमाना लाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का भविष्य और उनकी जिंदगी, माता बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने देना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है, किसान आगे बढ़े, गरीब आगे बढ़े, कारीगर आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े, इस सब के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए बहनों और भाइयों, आप सबका साथ चाहिए, बोलिए सबका साथ मिलेगा। एक हो प्रशासन नोट कर ले, इन सब महिलाओं के जितनी योजना उनके क्रियान्वयन के लिए 11 बहनों की एक टीम बनेगी गांव में, 11 बहनों